भोजन में प्रोटीन की कमी से हो सकता है। ए क्वाशोरकर, बी मैरस्मस, सी रिकेट्स, डी स्कर्वी। तो भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि जो भोजन है उसके अंदर अगर प्रोटीन की कमी है तो उससे कौन हो सकता है, तो उससे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना, वो होगा अपना क्वाशोरकर। क्वाशोरकर क्या है, यदि जो फूड है उसके अंदर अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो उससे क्या हो सकता है, क्वाशोरकर। अगर प्रोटीन प्लस एनर्जी माल न्यूट्रिशन पूछा जाए तो उसमें आएगा अपना क्या आएगा उसके अंदर, मैरस्मस। और रिकेट्स किसकी कमी की वजह से होता है, रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, और इसका भी विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो यहाँ पे पूछा है भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो भोजन में जो प्रोटीन की कमी से जो रोग होगा वो होगा, उसे कहेंगे अपन, इसका करेक्ट आंसर होगा अपना, होगा वो क्वाशोरकर, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना ए वाला है। नेक्स्ट बात करें अपन, कौन सा अम्ल दूध को दही बनने हेतु जिम्मेदार है, यानी कि जो कौन सा अम्ल है वो दूध से दही बनाने के लिए जिम्मेदार है। ए सिट्रिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी मैलिक एसिड, डी टार्टरिक एसिड। तो कौन सा एसिड है जो मिल्क से यानी कि दूध से किसको दही बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना बी वाला, यानी कि जो लैक्टिक एसिड है वो जिम्मेदार है दूध से दही बनाने के लिए, यानी कि एक बैक्टीरिया होता है लैक्टो एसिडोफिलस, ठीक है, ये क्या काम करता है, लैक्टो एसिडोफिलस ये लैक्टिक एसिड को बनाता है जिससे दूध से दही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, प्रोटीन निम्न में से निर्मित होता है, यानी कि जो प्रोटीन किससे बना होता है, ए अमीनो एसिड, बी फैटी एसिड, सी ग्लिसरॉल, डी कीटोन बॉडीज। यानी कि जो प्रोटीन है वो किससे बना होता है, तो प्रोटीन जो बना होता है वो किससे बना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना अमीनो एसिड, यानी कि अपना जो करेक्ट आंसर है वो है अपना है अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड से निर्मित होता है कौन, प्रोटीन। जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड के अंदर फैट्स से बने होते हैं, कीटोन बॉडीज फैट का डीजनरेशन यानी कि स्टारवेशन की स्थिति में डीजनरेशन हो जाना, तब बनती है कीटोन बॉडीज। तो इसका अपना जो करेक्ट आंसर हो गया वो करेक्ट आंसर अपना वाला है वो है अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की स्थिति में सर्वप्रथम निम्न में से क्या करना चाहिए, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की स्थिति में क्या करना चाहिए, ए ऑटोथेरेपी, बी सीपीआर, सी प्रॉपर पोजिशनिंग, डी कार्डियक मॉनिटरिंग। तो वेंट्रिकुलर थेरेपी के अंदर क्या करना चाहिए अपन को, सर्वप्रथम क्या करना चाहिए वेंट्रिकुलर थेरेपी के अंदर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा अपना डी कार्डियक मॉनिटरिंग। अगर यहाँ पर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पूछा है तो सबसे पहले वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या करते हैं, कार्डियक मॉनिटरिंग कर उसको डीफिब्रिलेट करते हैं, डीफिब्रिलेट करने के बाद में फिर उसको क्या देते हैं अपन, सीपीआर देते हैं, उसके बाद देते हैं अपन सीपीआर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा अपना होगा डी वाला। वेर्सोला जोस्टर निम्न बीमारी का कारण है, वेर्सोला जोस्टर की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, ए स्मॉल पॉक्स, बी चिकन पॉक्स, सी अर्टिकेरिया, डी गोनोरिया। यानी कि जो वेर्सोला जोस्टर है इसकी वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो वेर्सोला जोस्टर की वजह से जो बीमारी होती है वो इसका करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर है चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स है। और गोनोरिया है, ये नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से होता है, तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स है वो एक स्किन की डिजीज है, इसके अंदर वेसिकल्स बनने लग जाते हैं। बात करें अपन, निम्न को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किसे जाना जाता है, ए लुइस पाश्चर, बी लॉर्ड लिस्टर, सी हिप्पोक्रेट्स, डी डार्विन। तो फादर ऑफ
मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा अपना, वो होगा अपना हिप्पोक्रेट्स, यानी कि करेक्ट आंसर अपने वाला वो है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, डिहाइड्रेशन की स्थिति में शरीर में निम्न में किस तत्व का अभाव पाया जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन की स्थिति में निम्न में से किस तत्व का अभाव पाया जाता है, ए लैक ऑफ विटामिन, बी लैक ऑफ मिनरल, सी लैक ऑफ वाटर, डी लैक ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर बात करें अपन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब ही हाइड्रेशन, हाइड्रेशन जो वर्ड बना है ये बना है हाइड्रोजन यानी कि एक तरह से पानी, ठीक है। डिहाइड्रेशन की बात करें अपन तो यानी कि किसकी कमी हो जाती है शरीर के अंदर, लैक ऑफ वाटर यानी कि पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट बात करें अपन, सब्जियों को धोने से निम्न तत्व की हानि होती है, यानी कि जो सब्जियां होती है उनको वाश करने पर कौन से तत्व की हानि होती है, ठीक है, ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी मिनरल, डी कार्बोहाइड्रेट। तो सब्जियों को वाश करने पर यानी कि जो सब्जियां कट करने के बाद में या उनको वाश करने से कौन से तत्व की हानि होती है, तो वो तत्व है यानी कि जो मिनरल्स होते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा अपना होगा मिनरल, क्योंकि मिनरल की जो मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं किसके अंदर, मोस्टली पाए जाते हैं किसके अंदर, पाए जाते हैं ये सब्जियों के अंदर यानी कि वेजिटेबल्स के अंदर। और जब अगर वेजिटेबल को वाश करते हैं तो मोस्टली जो लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं मिनरल के, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, तो ये सब क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को लेडी विद लैंप के उपनाम से जाना जाता है, तो निम्न में से किसको लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है, ए मदर टेरेसा, बी फ्लोरेंस नाइटेंगल, सी सरोजिनी नायडू, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो निम्न में से किसको लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है, तो जो लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है वो है फ्लोरेंस नाइटेंगल। जो फ्लोरेंस नाइटेंगल है इसे मॉडर्न नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है, जनक के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना लेडी विथ लैंप के नाम से है फ्लोरेंस नाइटेंगल। इनका जो जन्म है 12 मई को आता है। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, यानी कि बात करें अपन ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो मानव हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना वो होगा डी वाला, यानी कि मानव हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 तो आलिंद होते हैं और 2 निले होते हैं, 2 आलिंद और 2 निले, यानी कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। बात करें पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, मरीज को फाउलर पोजीशन में कितनी डिग्री पर लेटाया जाता है, जो मरीज होता है उसको फाउलर डिग्री में कितने पोजीशन पर लेटाया जाता है। यहाँ पे बात करें सिर्फ फाउलर की, तो आपसे अगर फाउलर पूछा जाए इसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है, सेमी फाउलर, हाई फाउलर, लेकिन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सिर्फ फाउलर की। तो फाउलर का जब भी आपसे पूछा जाए तो कौन सी पोजीशन में उसे लेटाया जाता है, तो ए 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी फ्लैट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, वो होगा अपना करेक्ट आंसर ए वाला 45 डिग्री, ठीक है। इसमें भी अलग अलग होती है हाई फाउलर, लो फाउलर, लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए फाउलर पोजीशन में तो हम बताएंगे फिर 45 डिग्री। नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, मरीज को एनिमा प्रदान करने हेतु निम्न में से कौन सी पोजीशन पर लेटाया जाता है, जो मरीज होता है यानी कि जो मरीज होता है उसको एनिमा लगाना है, एनिमा लगाना है तो कौन सी पोजीशन में उसको लेटाना है, तो उसको जो कौन सी पोजीशन में लेटाएंगे अपन, उसको जो लेटाएंगे अपन वो लेटाएंगे अपन ए लेफ्ट लेटरल, बी सुपाइन पोजीशन, सी फाउलर पोजीशन, डी लिथोटोमी पोजीशन। तो हम उसे कौन सी पोजीशन में लेटाएंगे, तो उसे हम जो लेटाएंगे वो लेटाएंगे हम, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना
लेफ्ट लेटरल पोजीशन, यानी कि सिम्स लेटरल पोजीशन भी कह सकते हैं और लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी कह सकते हैं। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम मरीज को लेटाते हैं क्योंकि उधर की तरफ क्या होता है, रेक्टम सिचुएटेड होता है। बच्चों में रेक्टल थर्मामीटर जांच हेतु कितना इंसर्ट किया जाता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर रेक्टल थर्मामीटर जांच के लिए कितना इंसर्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए 1/2 इंच, बी 1 इंच, सी 3/4 इंच, डी 1.5 इंच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, यानी कि बच्चों के अंदर कितना रेक्टल थर्मामीटर को इंसर्ट किया जाता है, तो रेक्टल थर्मामीटर जो इंसर्ट किया जाता है वो है 1 इंच, यानी कि बच्चों के अंदर हम 1 इंच तक थर्मामीटर को इंसर्ट कर सकते हैं। बात करें अपन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन द्वारा निम्न का स्टरलाइजेशन नहीं किया जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन द्वारा निम्न का स्टरलाइजेशन नहीं किया जाता है, ए एनजी ट्यूब, बी ईटी ट्यूब, सी सीजर्स, डी एंडोस्कोप। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्टरलाइजेशन की। तो स्टरलाइजेशन निम्न में से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, मतलब निम्न यानी कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस द्वारा निम्न में से स्टरलाइजेशन नहीं किया जाता है। तो यहाँ किसका स्टरलाइजेशन हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से नहीं करते हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है अपना है सीजर। सीजर का हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्टरलाइजेशन नहीं करते हैं। स्टरलाइजेशन के लिए सीजर जो मेटालिक की होती है तो स्टरलाइजेशन के लिए हम इसे बहते हैं ऑटोक्लेव के लिए, ठीक है, ऑटोक्लेव से इसका स्टरलाइजेशन किया जाता है। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, डिसइंफेक्टेंट की बात आती है, तो डिसइंफेक्टेंट तो हम करते हैं लेकिन स्टरलाइजेशन इसका नहीं करते हैं। तो स्टरलाइजेशन किससे किया जाता है, वो किया जाता है ऑटोक्लेव से, किसका, सीजर से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना सीजर होगा। एंटीरियर फोंटानेल जन्म के कितने समय पश्चात बंद होता है, यानी कि जो एंटीरियर फोंटानेल होता है वो जन्म के कितने समय पश्चात बंद होता है, ए 18 मंथ, बी 3 मंथ, सी 8 मंथ, डी 15 मंथ। तो जो एंटीरियर फोंटानेल है, बच्चों के अंदर दो फोंटानेल होते हैं, एक तो एंटीरियर में होता है, एक पोस्टीरियर में होता है। तो जो एंटीरियर वाला फोंटानेल होता है ये डायमंड शेप में होता है, ठीक है, और पोस्टीरियर जो फोंटानेल होता है इसे ये होता है अपना ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। जो एंटीरियर फोंटानेल्स है उसका नाम ब्रेग्मा भी होता है, और ये बड़ा फोंटानेल होता है, इसलिए इसका जो क्लोजिंग होता है वो 18 मंथ पर होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा अपना वो होगा 18 मंथ पर, जो करेक्ट होगा, यानी कि क्लोज होगा कौन, 18 मंथ पर। नेक्स्ट बात करें अपन गर्भस्थ शिशु का सिर प्रेगनेंसी के समय स्थित निम्न माह के दौरान फिक्स्ड हो जाता है, यानी कि कौन से महीने में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके बेबी का सिर फिक्स हो जाता है, ए 3-4 मंथ, बी 5-6 मंथ, सी 6-7 मंथ, डी 9 मंथ। यानी कौन से महीने में जो शिशु है यानी कि जो बेबी है उसका सिर फिक्स्ड हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जब जो बेबी का सिर जो फिक्स होता है वो मतलब बिफोर 2 वीक्स, यानी कि 14 वीक्स के पहले 2 वीक्स पर, यानी कि टर्म के 2 वीक्स के पहले वो क्या होता है, 2 वीक्स के पहले वो यानी कि 38 वीक्स के समथिंग वो क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना सी वाला, यानी कि जो है 6-7 मंथ। क्रेटनिज्म किस ग्रंथि से संबंधित है, ए थायरॉइड, बी पैराथायरॉइड, सी एड्रिनल, डी पेनक्रियाज। तो क्रेटनिज्म किस ग्रंथि से संबंधित है, तो जो क्रेटनिज्म है वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ए वाला। क्रेटनिज्म किसकी वजह से होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जब थायरॉयड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से होता है क्रेटनिज्म।
नेक्स्ट बात करें अपन, शरीर में निम्न किस अंग की संख्या मात्र एक है, यानी कि शरीर के अंदर निम्न में से किस अंग की संख्या मात्र एक है। ए लंग्स, बी किडनी, सी ओवरी, डी यूरिनरी ब्लैडर। तो शरीर के अंदर किस अंग की संख्या सिर्फ एक है, तो लंग्स कितने होते हैं, लंग्स भी दो होते हैं, ओवरी भी दो होती है, किडनी भी दो होती है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर एक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना होगा डी वाला। नेक्स्ट बात करें अपन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एवं मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निम्न ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होते हैं। ए एड्रिनल कॉर्टेक्स, बी एड्रिनल मेडुला, सी पिट्यूटरी ग्लैंड, डी पेनक्रियाज। तो किस ग्रंथि से द्वारा स्त्रावित होते हैं, तो ये जो इतने भी हार्मोन्स हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये जो होते हैं वो होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उससे होते हैं। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड जो पाई जाती है रीनल, यानी इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, और रीनल यानी कि जो अपनी किडनी होती है उसके ऊपर पाई जाती है कौन, एड्रिनल ग्लैंड। और इसके भी दो भाग होते हैं, एक तो होता है बाहर वाला भाग, उसे कहते हैं अपन कॉर्टेक्स, और ये हो गया कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और ये इनर वाला भाग, इसे कहते हैं अपन मेडुला। जो इनर वाला भाग है इससे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का सेक्रेशन होता है, और बाहर वाले से सेक्स हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड का स्रवण होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना एड्रेनलिन कॉर्टेक्स, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना ए वाला है। नेक्स्ट बात करें अपन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, यानी कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उससे कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। ए 9.4, बी 4 किलो कैलोरी, सी 1 किलो कैलोरी, डी 2 किलो कैलोरी। तो कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, तो इससे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना कितना होगा, 4 किलो कैलोरी, यानी कि 4 किलो कैलोरी होती है। तो आपको ध्यान रखने के लिए मैं बता देता हूँ कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से दोनों से कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी होती है, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन भी कितनी किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है, 4 ग्राम, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी कितनी कैलोरी प्रोड्यूस करता है, 4 किलो कैलोरी। लेकिन अगर बात करें अपन 1 ग्राम फैट की, तो 1 ग्राम जो फैट होता है वो प्रोड्यूस करता है 9 किलो कैलोरी, यानी कि अप्रोक्सीमेट 9 किलो कैलोरी। बात करें अपन नेक्स्ट, शरीर में निम्न फ्लूड नॉन पुरुलेंट का प्रकार है, नॉन पुरुलेंट का प्रकार नहीं है, ठीक है। शरीर में निम्न फ्लूड नॉन पुरुलेंट का प्रकार नहीं है। सबसे पहली बात है कि पुरुलेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, पुरुलेंट का प्रकार नहीं है, ठीक है। ए CSF, बी प्लूरल इफ्यूजन, सी पेरिकार्डियल फ्लूड, डी ऑल ऑफ अबोव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, निम्न फ्लूड नॉन पोरुलेंट का प्रकार है, प्रकार नहीं है ये। तो इसका जो करेक्ट यहाँ पर नहीं है, ये नहीं है को हटाने के बाद ये नहीं है नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा शरीर में निम्न फ्लूड पोरुलेंट का प्रकार है, ठीक है, नॉन पोरुलेंट का प्रकार है। नॉन पोरुलेंट का मतलब होता है यानी कि नॉन टर्बिड, यानी कि जिसके अंदर यानी कि एकदम क्लियर फ्लूड होता है। तो यहाँ पर क्लियर फ्लूड कौन सा होता है, तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लियर फ्लूड होता है CSF। CSF एक वाटर की तरह होता है और एकदम क्लियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ए वाला। नेक्स्ट बात करें, लिब्रियम किस प्रकार की औषधि है, जो लिब्रियम किस प्रकार की औषधि है। ए एंटीमेनिक, बी एंटी डिप्रेसेंट, सी एंटी प्लेटलेट, ऑल ऑफ अबोव। तो लिब्रियम किस प्रकार की औषधि है, तो ये यहाँ पे ये इन तीनों में से चारों में से किस प्रकार की भी नहीं है, ये है एंटी एंजाइटी, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है अगर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे करेक्ट आंसर इसका है एंटी एंजाइटी की ड्रग। जो लिब्रियम होता है
ये क्लोर डाइजेपोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। क्लोर डाइजेपोक्साइड का मतलब होता है यानी कि लिब्रियम। ये लिब्रियम भी एक ब्रांड नेम है। इसके अंदर जो साल्ट होता है वो होता है क्लोर डाइजेपोक्साइड, डाइजेपोक्साइड होता है। और ये एल्कोहल विड्रोल के रूप में भी काम में लिया जाता है, एल्कोहल विड्रोल के सिम्टम्स को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। और ये एक बेंजोडाइजेपिन औषधि का डेरिवेटिव है, इसीलिए इसको एंटी एंजाइटी के अंदर दिया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आज का जो टॉपिक था वो एनएम वालों के लिए था मुख्यतः। तो थैंक यू दोस्तों।